हेलो एवरीवन, दिस इज अनुपम सिंह। वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी प्यारे साथी हैं, एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। बच चुके हैं 9 एंड आप मेरे साथ जुड़ेंगे करंट अफेयर की इस क्लास में। जो भी साथी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। एक बार सेशन को दम लगा के शेयर करेंगे। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सभी फ्रेंड्स को बुला लेंगे। सभी को गुड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ, एकदम व्यस्त और एकदम मस्त भी हैं। सो आज है सैटरडे एंड एज यू नो सैटरडे क्या होता है, सैटरडे भी अपना रिवीजन होता है। तो आज हम रिवीजन करेंगे, जो भी हमने वीक में पढ़ा है उसका आज हम रिवीजन करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप कि आप सभी रेडी हैं रिवीजन के लिए। सर इसमें स्टाइलस नहीं है। चले तो भाई, आप सभी रेडी हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी बुला लीजिएगा, फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। जी, पानी वानी पी के आप बैठे ही होंगे। सो और पानी वानी पीना है तो पी लीजिएगा, फिर सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, पानी का इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज स्टाइलस इतने आ जाएगा। अभी स्टाइलस नहीं है, स्टाइलस मतलब जिससे मुझे लिखना है। ठीक है, चलेगा। तो भाई सेशन को शेयर कर दीजिए। आप सभी लोग शेयर नहीं करते, करंट अफेयर आपको बताए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होती है, तो शेयर आप सभी साथियों को करना है। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी शेयर करेंगे और फिर हम सेशन को बढ़ाएंगे आगे। अच्छा, आप अच्छे हैं। चलिए भाई, चलिए जल्दी से एक बार सभी अपने फ्रेंड्स को बुला लेंगे, फिर बैठ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो भी साथी आएंगे वो जुड़ते रहेंगे। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस शहर में सातवां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन आयोजित किया गया है, यह आपको बताना है। सेवंथ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो ऑर्गेनाइज किया गया, यह कौन से शहर में किया गया था, यह आपको कमेंट करके बताना है। चलेगा, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। भाई डेली आंसर मैं आपको बताती हूँ, बट आज आप मुझे आंसर बताएंगे बिकॉज सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ रखे हैं। तो जल्दी से मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ कि भाई सातवां जो ग्लोबल समिट, किसका टेक्नोलॉजी जो समिट है, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। यह दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। जी शानदार, सभी साथी बहुत बहुत अच्छे। दिल्ली, दिल्ली क्या है, हमारी कैपिटल है। 1911 में ये घोषित किया गया था कि दिल्ली क्या होगी, दिल्ली हमारी कैपिटल होगी। एंड 1912 यानी कि 1912 में क्या है, 1912 में दिल्ली हमारी क्या बनी थी, कैपिटल बनी थी। भाई जैसे हम दिल्ली को क्या बोलते हैं, हम दिल्ली को बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, NCR इसे बोल देते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हम इसे बोल देते हैं। इसी की तर्ज पे जो हमारी राजधानी है, यूपी की जो राजधानी है लखनऊ, तो इसने भी कहा है हम भी अपने यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम भी अपने एरिया में जो कैपिटल रीजन है, कैपिटल रीजन बताएंगे, बनाएंगे। ठीक है, जैसे दिल्ली NCR होता है, अब आप लखनऊ NCR भी सुनेंगे। ठीक है, चलिए, मतलब स्टेट के लेवल पे भी लखनऊ बनाने जा रहा है। ऑलराइट, चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर ने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले जो रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड है, रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की योजना बनाई है। भाई इनमें से कौन सा ऐसा शहर है, इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जिसने रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की, किसके लिए, सोलर प्लांट के लिए अपनी योजना बनाई है। चलेगा, किस शहर की, किस सिटी की बात की जा रही है, यह आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे, आफ्टर दैट आप आंसर मेंशन करेंगे। तो भाई बात जो की जा रही है यहाँ पर, इंदौर की जा रही है। यानी कि इंदौर इज द राइट आंसर, इंदौर बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी, इंदौर के बारे में और आप क्या जानते हैं, लगातार 6th time, लगातार क्या है, 6th बार जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, जो क्या होता है भाई, स्वच्छ सर्वेक्षण होता है। इस स्वच्छ सर्वेक्षण में जो टॉप किया है, जो टॉप पर सिटी रहा है, यह इंदौर ही रहा है। कौन सा, इंदौर ही टॉप पर रहा है। जी शानदार, बिल्कुल सही, बहुत बहुत अच्छी, सेकंड का सी। किस भारतीय राज्य में अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है।
चलिए भाई, लुसोफोन जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है ये आप कमेंट करके बताएंगे। एंड लुसोफोन, लुसोफोन जो पुर्तगीज कंट्रीज होती है या पुर्तगीज जो कमेटीज होती है वह इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो भारत में आपको जो पुर्तगीज यानी पुर्तगाली का जो इफेक्ट देखने को मिलेगा कौन से राज्य में देखने को मिलेगा, तो हम सभी जानते हैं भाई भारत में जो पुर्तगाली आए थे कहाँ पर आए थे, गोवा में आए थे। भारत में पुर्तगाली कहाँ पर रहे थे, गोवा में रहे थे। तो लुसोफोन क्या है, पुर्तगाली लोगों का फेस्टिवल है, इसलिए इस फेस्टिवल को गोवा में क्या है, इस फेस्टिवल को गोवा में सेलिब्रेट किया गया था। ऑलराइट, चलेगा। गुजरात, भाई गुजरात से रिलेटेड आपको क्या याद है, अगर गुजरात से रिलेटेड मैं बात करूं तो गुजरात में हाल फिलहाल में हुए थे इलेक्शन, गुजरात में इलेक्शन हुए थे और फर्स्ट टाइम, पहली बार क्या है, पहली बार किसी एक ट्राइब को, उस ट्राइब का आप मुझे नाम बताएंगे, उस ट्राइब का आप मुझे नाम बताएंगे जिनके क्षेत्र को गुजरात में मिनी अफ्रीका कहा जाता है, और मिनी अफ्रीका के लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर इलेक्शन डाले थे, ठीक है, वोट डाली थी। तो जल्दी से बताएंगे किस ट्राइब ने गुजरात में पहली बार वोट डाली थी, यह आपको कमेंट करके बताना है। उन्हें पहला जो अपना एक वोटिंग राइट है, पहला अपना वोटिंग राइट मिला है इस ट्राइब को। मिनी अफ्रीका बोला जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया है, बट इन ट्राइब्स का नेम आपको बताना है, ट्राइब्स का नेम आपको कमेंट करके बताना है। चलिएगा भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी प्यारे साथियों को। चलिए भाई, कौन सी ट्राइब्स ने फर्स्ट टाइम वोट डाली है गुजरात में, आंसर मुझे आपसे ही चाहिए, बिकॉज ये भी पढ़ा दिया गया है, क्वेश्चन मैंने नहीं रखा है बट आपको पढ़ाया गया है। हाल ही में द एमिस्ट्री ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, हाल ही में द एमिस्ट्री ऑफ पीस अवार्ड जो है इससे किसे सम्मानित किया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो भाई एक क्या है, एक ह्यूमैनिटेरियन एडवोकेट है, एक ह्यूमैनिटेरियन एडवोकेट है, इस एडवोकेट को क्या है, इनका नाम क्या है, श्री श्री रविशंकर। तो श्री श्री रविशंकर जो है जिन्हें द एमिस्ट्री ऑफ पीस अवार्ड, द एमिस्ट्री ऑफ पीस अवार्ड से क्या है, द एमिस्ट्री ऑफ पीस अवार्ड से नवाजा गया है। जी शानदार, बहुत 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 शानदार, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस पैरा एथलीट को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है भाई। इनमें से किस एथलीट को पैरा एथलीट, सॉरी पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है यह घोषित किया गया है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। चलेगा, इनमें से कौन है जिन्हें पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, क्वेश्चन नंबर, तो आप सी आंसर कर रहे हैं, अवनी लेखारा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अवनी लेखारा जो पैरालंपिक भी जीत चुकी हैं, पैरालंपिक में इन्होंने 2 मेडल जीते थे, और ये क्या है, ये एक शूटर है। कहाँ से बिलोंग करती है, राजस्थान से यह बिलोंग करते हैं अवनी लेखारा। चलिए ये तो आपने पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का जान लिया है, अब आप मुझे ये बताएंगे अगर मैं व्यक्तियों की बात करूं, भाई टाइम्स मैगजीन ने, टाइम्स मैगजीन ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर जो घोषित किया है, पर्सन ऑफ द ईयर जो घोषित किया है टाइम्स मैगजीन ने, यह किसे किया है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इसकी जो 100 पावरफुल वुमेन्स की जो लिस्ट निकाली जाती है, इस लिस्ट में भारतीय महिला कौन सी इंडियन वुमेन टॉप पर रही है, यह भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलेगा, टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया है, यह व्लादिमीर जेलेंस्की को किया गया है। किसे किया गया है भाई, व्लादिमीर जेलेंस्की को किया गया है, और व्लादिमीर जेलेंस्की इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। ये कहाँ के हैं, यह यूक्रेन के प्रेसिडेंट है भाई। इन्हें यूएसए के द्वारा भी एक अवार्ड दिया गया था, देखिए यूएसए, यूएसए अपना जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी आपको पता है
ये यूएस के प्रेसिडेंट रहे थे, इनके नाम से अवार्ड भी देता है यूएसए। और किसे दिया गया था? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिया गया था। ठीक है, चलेगा। 100 पावरफुल वुमेन, अगर मैं इंडियन वुमेन की बात करूं तो निर्मला सीतारमण टॉप पर कौन रही है? निर्मला सीतारमण रही है। भाई टोटल कितनी इंडियन वुमेन्स थी, टोटल बताएंगे, टोटल कितनी इंडियन वुमेन्स को क्या है इसमें जगह मिली थी, इस लिस्ट में जगह मिली, यह आप कमेंट करके बताएंगे। जी निर्मला सीतारमण बिल्कुल सही आंसर है। टोटल कितनी वुमेन्स को इसमें लिस्ट किया गया, यह भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जी शानदार, शेयर करते रहेंगे। उसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में आईसीजी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एम की थर्ड कहाँ कमीशन किया गया, यह आपको बताना है। भाई हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसे एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर एम के थर्ड मिला है, एम के थर्ड को कहाँ पर कमीशन किया गया ये आपको कमेंट करके बताना है। एम के थर्ड जो हेलीकॉप्टर है इसे जी 6 को लिस्ट किया गया था, बिल्कुल सही, जिनका 6 आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव कर जाएंगे। 6 का जो राइट आंसर है दिस इज चेन्नई। देखिए इसमें एक दो क्वेश्चन आपको वो भी देखने को मिलेंगे भाई जो हम कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेली हमें कम टाइम मिलता है तो एक दो क्वेश्चन रह जाते हैं, इसलिए आपको कुछ अलग क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसे क्या है, इसे चेन्नई से कमीशन किया गया है, यह आपको याद रखना है। ऑलराइट चलेगा, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है यह आपको कमेंट करके बताना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? जी बिल्कुल सही, 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट करते हैं। जी शानदार, बहुत बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। चलिए भाई फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, चलिए जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर द्वारा आयोजित सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया गया है? अच्छा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है किसी एक राज्य की क्या है, सुदर्शन चक्र कोप है, और इस कोप के द्वारा क्या किया गया है, सुदर्शन प्रहार जो एक्सरसाइज है इसे कंडक्ट किया गया है। तो ये कौन से राज्य की कोर है यह आपको कमेंट करके बताना है। ये जो है यह कौन से राज्य की कोर है यह आपको कमेंट। जी चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, बहुत बहुत ही शानदार। विकास शाहनी जी बिल्कुल सही, आर के गुप्ता बिल्कुल सही, बहुत बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, चलेगा। तो भाई ये जो कोर है ये राजस्थान की है, जिसने हाल फिलहाल में क्या है सुदर्शन प्रहार जो अभ्यास है इसे कंडक्ट किया है, बिल्कुल बिल्कुल सही, चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किसको राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? भाई जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है हाल फिलहाल में इसके चेयरमैन कौन बने हैं यह आपको कमेंट करके बताना है। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है इसके चेयरमैन हाल फिलहाल में कौन बने हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो राजीव लक्ष्मण करिंदर जो है ये कौन बने हैं यह नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के हाल फिलहाल में चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, बिल्कुल सही जी, शानदार, बहुत बहुत अच्छे। नो बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक नीलिमा कड़ियाला, इसे एक बार देखेंगे इस क्वेश्चन को, नीलिमा कड़ियाला, डॉक्टर एना बाबू रमनी, ठीक है चलिए, और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी किस देश की स्टैम बोलते हैं इसे, स्टैम, तो स्टैम में शामिल किया गया है भाई साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के क्षेत्र में क्या है ये
एक अवार्ड दिए जाते हैं स्टैम के नाम से, ठीक है। तो स्टैम की सुपरस्टार एक लिस्ट जो होती है पूरी की पूरी, तो कौन सा देश जो है, कौन सा देश इस लिस्ट को निकालता है और कौन से देश की लिस्ट में भारतीय, तीन भारतीय महिलाओं को हाल फिलहाल में लिस्टेड किया गया है, ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से देखते हुए चलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया, देखिए क्वेश्चन मैंने क्या बताया, वो सभी पर्संस जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स के क्षेत्र में क्या है, अपना भाई एक योगदान दिया है, ठीक है, अद्भुत योगदान अपना दिया है, तो उसके लिए क्या है, एक सुपर स्टार, स्टेम सुपर स्टार की लिस्ट जारी करता है ऑस्ट्रेलिया, और इस लिस्ट में भारतीय मूल की भी तीन महिलाएं शामिल हैं। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, नेम आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए कभी बहुत बहुत ही शानदार, अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सौराष्ट्र ने किसे हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती है, ये आपको कमेंट करके बताना है भाई। हाल फिलहाल में क्या है, हाल फिलहाल में विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी जिसमें विनर जो रहा था सौराष्ट्र रहा था, बट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें रनर अप जो रहा, रनर अप कौन रहा था, सौराष्ट्र तो जीता है, उप विजेता इसमें कौन रहा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताएंगे सबसे ज्यादा जो रन है, सबसे ज्यादा रन किसके द्वारा लिए गए। चलिए भाई, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। तो सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर विजय हजारे जो ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम हासिल कर ली है। चलिए, एक तो आपने इसमें पढ़ा विजय हजारे ट्रॉफी, और एक क्या होती है क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी भी होती है भाई। रणजी ट्रॉफी इस बार किसके द्वारा जीती गई, रणजी ट्रॉफी इस बार एमपी के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा जीती गई, और ऐसा पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी को क्या है, रणजी ट्रॉफी को अपने नाम किया है। देखिए ये ट्रॉफी 1934-35 से शुरू हुई थी, तो इसके इतिहास में पहली बार एमपी के द्वारा इसे जीता गया है, ठीक है जी, शानदार। महाराष्ट्र तो आपने बता दिया, सबसे ज्यादा विजय हजारे ट्रॉफी में रन किसने बताए बनाए ये आपने नहीं बताया, ये भी आपको बताना है, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चिपको आंदोलन पर आधारित किसके द्वारा लिखित किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ पुरस्कार दिया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है भाई। एक बुक है, एक बुक है जो किस पर लिखी गई है, जो चिपको आंदोलन पर लिखी गई है, ठीक है। चिपको आंदोलन आपको पता होगा 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका निधन भी हो चुका है, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। चलिए, एक पर्यावरण विद रहे, कहां से, उत्तराखंड के थे, ये उत्तराखंड के थे, ठीक है। तो उत्तराखंड उस टाइम पे तो क्या था, उस टाइम पर तो ये पूरा यूपी था, बट आज का हम उत्तराखंड कह सकते हैं। तो उत्तराखंड में क्या है, चिपको आंदोलन को शुरू किया गया था, यहाँ पर लोग क्या है, यहाँ पर लोग पेड़ों से चिपक गए थे कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, चिपको आंदोलन इसका नाम रखा गया था। और शेखर पाठक जो है भाई, शेखर पाठक ने इस पर एक बुक लिखी है, शेखर पाठक ने इसको, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक बुक लिखी है, तो शेखर पाठक आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। किसे इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। चलिए भाई, प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है, यह कौन नियुक्त किए गए हैं, तो विजेंद्र शर्मा जी को, हाल फिलहाल में विजेंद्र शर्मा जी को क्या है, विजेंद्र शर्मा जी को, हां जी, इस पद पर नियुक्त किया गया है, यानी कि 13 का बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस देश में जमी हुई झील के नीचे से 48,500 वर्ष पुराने जोम्बी वायरस को खोजा गया है। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, जो जोम्बी वायरस है, जो जोम्बी वायरस है, जोम्बी वायरस हाल फिलहाल में कहां पर खोजा गया था। उस टाइम पर मैंने आपको बस कॉन्टिनेंट बताया था, शायद देश भी बताया होगा,
कि यूरोप कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट के जो साइंटिस्ट हैं, यूरोप के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या है, उन्होंने रशिया में, आंसर देखेंगे इसका जो आंसर है, इसका आंसर रशिया है। तो रशिया में इन्होंने क्या है, जोम्बी वायरस, रशिया में इन्होंने क्या है, इन्होंने जोम्बी वायरस को खोजा है। हाँ जी, जोम्बी वायरस के साथ साथ अन्य और भी वायरस है जो ये यहाँ पर खोजे गए थे, बट इस वायरस के बारे में बताया गया था कि बहुत सालों, इतने सालों वर्ष पहले क्या है, मतलब इतने सालों पहले ये दब गया था, ठीक है, जो फ्रोजन आइस होती है, आइस में, इस झील में दब गया था। बट फिर एक बात और बताई गई कि ये ह्यूमंस के लिए अभी हानिकारक नहीं है, ऐसा कुछ इसका इफेक्ट ह्यूमंस में देखने को नहीं मिला है, ठीक है, चलेगा। रशिया इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। किस राज्य की बराक घाटी में पहला सिलहट सिलचर महोत्सव आयोजित किया गया है, यह आपको बताना है। चलिए भाई, बराक घाटी, बराक वैली कहाँ पर है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, और इस बराक वैली में क्या है, सिलहट सिलचर महोत्सव आयोजित किया है। तो भाई कहाँ की हम बात कर रहे हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। सिलहट सिलचर फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, इसे असम में ऑर्गेनाइज किया गया है, यानी कि बराक वैली कहाँ है, बराक वैली आपकी असम में ही है। असम में कौन से रिवर आप पढ़ते हैं, असम में आप रिवर पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर, या ब्रह्मपुत्र आप पढ़ते हैं, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है यहाँ पर एक आइलैंड भी बनाती है, माजुली आइलैंड, माजुली द्वीप भी बनाती है, माजुली द्वीप वर्ल्ड का माजुली द्वीप वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली ही है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है। भाई पहला ट्राइबल विंटर फेस्टिवल जो है, ट्राइबल विंटर फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है फर्स्ट टाइम, यह आपको कमेंट करके बताना है। जी वेरी वेरी गुड, गुड आफ्टरनून आप सभी, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। चलिए भाई भाई असम की राजधानी गुवाहाटी कौन बता रहा है, असम की राजधानी गुवाहाटी नहीं है, गुवाहाटी में इसका हाई कोर्ट है, गुवाहाटी में असम का हाई कोर्ट है, राजधानी गुवाहाटी नहीं है। मतलब आपको इस स्टेट की भी राजधानी नहीं पता, ये तो बच्चों को भी पता होती है, याद कर लीजिएगा भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा फिर। जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में पहला जो ट्राइबल फेस्टिवल है, पहला ट्राइबल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। चलिए जम्मू कश्मीर का एक फेस्टिवल आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कंछोड जो फेस्टिवल है, तो कंछोड फेस्टिवल भी याद रखेंगे, कंछोड फेस्टिवल कहाँ का है, यह जम्मू एंड कश्मीर का ही है, कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का ही है। चलिए भाई नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल वॉलेंटियर्स डे जो है, वॉलेंटियर्स डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, यह आपको कमेंट करके बताना है। हाँ जी, दिसपुर है असम की कैपिटल, ऑल राइट, बिल्कुल सही। तो 5th of December को जो इंटरनेशनल वॉलेंटियर्स डे है, इंटरनेशनल वॉलेंटियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, हाँ जी बिल्कुल सही, चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस देश की नौसेना ने हाल ही में क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की एक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। मैं इसे एडवांस्ड करके नाम दिया गया है, तो एडवांस्ड के नाम से हाल फिलहाल में जो एक मिसाइल कैसी है, लॉन्ग रेंज की इंटरसेप्टर मिसाइल है, ठीक है चलिए, और कैसी है, एंटी क्रूज मिसाइल है, यानी कि क्रूज मिसाइल के अगेंस्ट ये क्या करेगी, काम करेगी। तो कौन से देश के द्वारा हाल फिलहाल में इसे लॉन्च किया गया है, इसे जो लॉन्च किया गया है, इसराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, जी नहीं जापान नहीं है, इसे जो लॉन्च किया गया है, इसराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा हाल फिलहाल में इसराइल के पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है इसराइल के, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए भाई, इसराइल को क्या है, इसराइल को लेके हमेशा विवाद चलता रहता है, ठीक है कोई कहता है ये जो पैलेस्टीन है उनकी है, ठीक है उनकी लैंड है, कोई कहता है ये जो यहूदी होते हैं उनकी लैंड है, तो इनको लेके क्या है, इसराइल की भूमि को लेके विवाद चलता रहता है, इसी वजह से कई देश क्या है, इसराइल को
मान्यता भी नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए कभी इसराइल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। जेरूसलम क्या है, यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस फिल्म निर्माता को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में RRRR के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, हां जी, हाल फिलहाल में बेंजामिन नेतन्याहू, पहले यायर लेपिड थे याद रखेंगे, अब फिर से कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू फिर से इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है जी, नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। तो भाई RRR मूवी के लिए जो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल हुआ था उसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो RRR आपने मूवी भी देखी होगी भाई, किसकी है, SS राजमौली जी की ये मूवी है। तो इस मूवी को क्या दिया गया है, इस मूवी के डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, यह आपको याद रखना है जी। शानदार, बहुत बहुत अच्छे। अब जल्दी जल्दी से आप मुझे बताएंगे ऑस्कर किस मूवी को मिला है 2022 का। ठीक है, बाफ्टा किस मूवी को मिला है 2022 का। ठीक है, फिर आप मुझे बताएंगे ग्रैमी किस एल्बम को मिला है, ग्रैमी अवार्ड किस एल्बम को मिला है 2022 का, नेशनल अवार्ड किस मूवी को मिले हैं। ठीक है, नेशनल अवार्ड में आपको मूवी बतानी है, बस आपको मूवी बतानी है। चलिए लिखते हुए चलेंगे, ऑस्कर जो मिला है कोडा को मिला है, बाफ्टा पावर ऑफ डॉग को मिला है, पावर ऑफ डॉग को मिला है, इसमें बेस्ट एल्बम का जो मिला है VR को मिला है। ठीक है, नेशनल अवार्ड में बेस्ट मूवी का जो मिला है सुरारी पोत्रू को बेस्ट मूवी का अवार्ड इसमें मिला है। ठीक है जी, शानदार, बहुत बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। ऑलराइट, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस देश की बकेट ब्रेड से जुड़े कुटीर ज्ञान को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। चलिए भाई, यूनेस्को की क्या होती है, कल्चरल हेरिटेज साइट होती है, कल्चरल हेरिटेज साइट होती है। तो किस ब्रेड, बगेट ब्रेड को, किस देश की बगेट ब्रेड को क्या है इसमें शामिल किया गया है। बगेट ब्रेड की मैंने स्टोरी भी आपको बताई थी, ये क्या है, ये भी जो आर्मी को दी जाती थी, वहां के सैनिकों को दी जाती थी, सो देट उनका पेट भी भर जाए और ज्यादा वेट भी उन्हें क्या है कैरी ना करना पड़े। तो कौन से देश, फ्रांस इज द राइट आंसर, फ्रांस बिल्कुल सही आंसर है। भाई भारत में कितनी इंटेंजिबल कल्चरल साइट है, भारत में कितनी इंटेंजिबल कल्चरल साइट है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो टोटल 14 कल्चरल साइट है और एक है गरबा, गरबा को क्या है, गरबा को नॉमिनेट किया गया है, गरबा को नॉमिनेट किया गया है, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, चलेगा। लास्टली एडिट दुर्गा पूजा, उससे पहले योगा को ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के जो चेयरमैन बने हैं, यह कौन बने हैं, ये आपको कॉमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिएगा, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर है 21, भाई मैंने इंटेंजिबल कल्चरल साइट पूछा था, इंटेंजिबल कल्चरल साइट मैंने आपसे पूछा था, तो वो 14 है, अगर परमानेंट साइट पूछता तो आप करते 40। ठीक है, 40 एंड 14 दोनों अलग चीजें हैं। तो भाई हंसराज गंगाराम अहीर को क्या किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। बैकवर्ड क्लासेस में आपके कौन कौन सी आ जाती हैं, जो आपके क्रिश्चियंस होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, सिख होते हैं, और इसमें पारसी जो होते हैं, ये क्या है, ये बैकवर्ड क्लासेस में आ जाते हैं। अच्छा, इस कमीशन का गठन कब किया गया था, यानी कि इसे इस्टैब्लिश कब किया गया था, ये भी आप जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। ये जो कमीशन है, मैंने आपको बताया था कि एक एक्ट के थ्रू लाया गया था, तो वो एक्ट कब आया था और कब इसका गठन किया गया था, यह आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था, और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए भाई, दृष्टिबाधित लोगों के लिए आयोजित किए जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के तीसरे एडिशन का जो मेजबान देश है, यह कौन सा देश होगा।
भाई जो विजुअली इम्पैक्ट पर्सन होते हैं, विजुअली इम्पैक्ट पर्सन, नहीं, चलिए विजुअली इम्पैक्ट पर्सन जो होते हैं इनका T20 वर्ल्ड कप होगा, तो T20 वर्ल्ड कप का जो थर्ड एडिशन है ये कहां पर होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलेगा भाई भारत में होगा, बिल्कुल सही भारत में होगा, बट स्टार्टिंग जो इसकी होगी स्टार्टिंग गुरुग्राम के स्टेडियम से होगी। बाकी ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में, क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में इसे खेला जाएगा, बहुत बहुत ही शानदार। तो याद रखेंगे भारत T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, जो होगा विजुअली इम्पैक्ट पर्सन के लिए इसे होस्ट करेगा। किस केंद्रीय मंत्री को मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि नियुक्त किया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। भाई 2023 वर्ष 2023, वर्ष 2023 को हम क्या मना रहे हैं, वर्ष 2023 को हम मिलेट ईयर के रूप में मनाएंगे। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए इस कॉन्क्लेव के जो चीफ गेस्ट रहे, चीफ गेस्ट कौन रहे, यह आपको कमेंट करके बताना है। चलेगा भाई चीफ गेस्ट जो रहे कौन रहे थे, पीयूष गोयल जी रहे थे, हमारे जो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, यह इसमें चीफ गेस्ट रहे थे। जी शानदार, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रमुख कनेक्टेड लाइफ स्टाइल टेक ब्रांड नॉइस ने किसे अपना जो एम्बेसडर है यह बनाया है। क्वेश्चन इतना घुमा दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नॉइस, नॉइस आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, या फिर अब जो स्मार्ट वॉच वगैरह आ रही हैं, ठीक है, तो स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, तो इसके एक ब्रांड है नॉइस। नॉइस के हाल फिलहाल में जो एम्बेसडर बने हैं, नॉइस के एम्बेसडर कौन बने हैं भैया, अपने विराट कोहली, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, जिन्हें आप चीकू बोलते हैं। नहीं, कौन आंसर कर रहा है भाई, 24th, अच्छा 24th का आंसर जो है, 24th का आंसर विराट कोहली है, विराट कोहली इसके एम्बेसडर बने हैं। जी शानदार। किस उच्च न्यायालय ने मंदिर के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाँ जी, इनमें से कौन सा हाई कोर्ट है जिसने कहा है कि हम मंदिर को बिल्कुल पवित्र रखना चाहते हैं, मंदिर की जो पवित्रता है उसे भंग नहीं करना चाहते, तो इसके लिए अपील की गई थी, इसके लिए याचिका दायर की गई थी और फिर उस पर सुनवाई हुई है, तो टोटली क्या है, टोटली बैन कर दिया गया है मंदिर के अंदर। कौन से मंदिर के अंदर, जो मद्रास उच्च न्यायालय है, मद्रास उच्च न्यायालय यानी कि तमिलनाडु, यानी कि हम कौन से राज्य की बात कर रहे हैं, हमें तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु ने क्या है, तमिलनाडु ने, तमिलनाडु के मंदिर में अगर कोई भी जाएगा तो वो मोबाइल फोन को नहीं ले जा सकता है, ठीक है। मद्रास, मद्रास कहाँ कहाँ का हाई कोर्ट है, मद्रास तमिलनाडु का भी है और पुदुचेरी दोनों का है, ठीक है, मद्रास तमिलनाडु एंड पुदुचेरी दोनों का क्या है, हाई कोर्ट है। ऑल राइट, चलेगा भाई नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है। चलिए भाई जो कॉन्क्लेव हुई थी, बैंक कॉन्क्लेव जो हुई थी, ठीक है, लंदन में जो हुई थी, इसमें क्या है, एक बैंक को बैंकर्स बैंक, बैंकर्स ऑफ द ईयर क्या है यह चुना गया है, तो कौन से बैंक की बात की जा रही है यह आपको कमेंट करके बताना है। चलिए भाई कौन से बैंक की बात की जा रही है, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। जी कैनरा बैंक इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, कैनरा बैंक इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड सॉइल डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं यह आपको कमेंट करके बताना है। चलिएगा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। तो वर्ल्ड सॉइल डे भी हम कब सेलिब्रेट करते हैं भाई, 5th of December को, 5 दिसंबर को हम वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट करते हैं। जी शानदार, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। चलेगा अगले क्वेश्चन, अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में कौन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे यह आपको कमेंट करके बताना है। इंडियन डेलीगेशन भाई अबू धाबी स्पेस डिबेट में कौन रहे यह आपको कमेंट करके बताना है। अबू धाबी डिबेट में इंडियन डेलीगेट कौन रहे, ठीक है। चलिए
हाँ जी, तो कौन रहे हमारे जितेंद्र सिंह जी, कौन रहे जितेंद्र सिंह, क्या है जितेंद्र सिंह इसमें रहे थे जी। बहुत बहुत शानदार, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 100 अरब डॉलर के प्रेषण, प्रेषण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। भाई 100 बिलियन डॉलर तक रेमिटेंस पाने वाला जो बैंक सॉरी कंट्री बन गया है, यह कौन सा कंट्री बन गया है। और ये हमें किसने बताया है, ये हमें वर्ल्ड बैंक ने बताया है। वर्ल्ड बैंक ने अपने एक रिपोर्ट निकाली थी, जिस रिपोर्ट का नाम क्या था, जिस रिपोर्ट का नाम था माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट। क्या था? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट इस रिपोर्ट का नाम था। ठीक है, चलेगा। तो कौन सा देश 100 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस पाने वाला देश बन गया है जी? अपना प्यारा भारत बन गया है, बिल्कुल सही। ठीक है, और लास्ट ईयर के मुकाबले अगर हम कहें तो लास्ट ईयर के मुकाबले 12% इस रेमिटेंस में बढ़ोतरी हुई है। कितने परसेंट हुए? 12% हुई है। अच्छा, सेकंड प्लेस पर कौन सा देश है, थर्ड प्लेस पर कौन सा देश है, यह भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बिकॉज मैंने आपको टॉप 5 कंट्रीज भी बताई थी। सेकंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे कौन सा है, यह भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए एक कमेंट और कीजिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर और करेंगे। भारत का जो NDDB है, भारत का नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, प्लस हमारा जो अमूल है, हमारी जो एक डेयरी कंपनी है अमूल, तो ये क्या है, यह किस देश की, ये कौन सी कंट्री की, उनकी टेक्निकल सपोर्ट में, मतलब उनका टेक्निकल सपोर्ट करेंगे मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। NDDB एंड अमूल जो कंपनी है गुजरात बेस्ड, यह किस देश को टेक्निकल सपोर्ट करेगी, यह आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलेगा। मैंने आपको बताई थी पूरी की पूरी चीज बताई थी कि भाई इस देश के लोग जो है, हाँ, माल न्यूट्रिशन कुपोषण से बहुत अच्छे। भाई बिल्कुल सही, श्रीलंका इज द राइट आंसर। श्रीलंका बिल्कुल सही आंसर है। श्रीलंका में कुछ टाइम पहले आपने पढ़ा था फूड इमरजेंसी तक लगाई गई थी, खाद आपातकाल भी यहाँ पर लग चुका है, यहाँ पर दूध तक नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से कुपोषण के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। श्रीलंका इज द राइट आंसर। श्रीलंका बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, यह आपको बताना है। ठीक है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, एविएशन जो हमारी उड्डयन होता है, नागरिक उड्डयन जो होता है, तो इसकी सेफ्टी अगर हम ले तो सेफ्टी के मामले में भारत की रैंक कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और वर्ल्ड में कौन सा देश फर्स्ट प्लेस पर रहा है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए भाई, ठीक है, चलेगा। चलिए, भारत की रैंक 48 है एंड फर्स्ट प्लेस पर कौन सी कंट्री रही है, ये भी आप मुझे बताएंगे। भारत के जो इसमें रैंक रही है, भारत की इसमें रैंक 48 रही है, और काफी इम्प्रूव ही हमने क्या है, काफी इम्प्रूव हमने इस रैंक में किया है। चलिए भाई, किस शहर में जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। चलिए भाई, जेसी बोस असत्याग्रही साइंटिस्ट जो है, इन पर एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, यह आपको कमेंट करके बताना है। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, यह कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में क्या है, नई दिल्ली में इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए भाई, शानदार, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किसके द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडिया हिस्ट्री पुस्तक का विमोचन किया गया है। चलो भाई, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत जो बुक है, यह किसके द्वारा लिखी गई है, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत जो बुक है, यह किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए जल्दी जल्दी से बताएंगे। और इसमें क्या लिखा गया था, आई थिंक ये जो बुक थी, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा चला था, ठीक है, उस संग्राम में वुमेन्स की वुमेन्स ने क्या अपना पार्टिसिपेशन किया, तो उसके ऊपर इस बुक को लॉन्च किया गया था। चलिए बी आंसर कर, नहीं नहीं विक्रम संपत जी की बुक है भाई ये बुक किसकी है, यह जो बुक है, यह किसकी बुक है, ये विक्रम संपत जी की बुक है। ठीक है, चलेगा। किसकी बुक है, ये विक्रम संपत जी की बुक है। ऑलराइट, चलेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एशिया जूनियर बैडमिंटन
चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, यह आपको कमेंट करके बताना है। चले जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे जी। चलिएगा जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे, यह किसके द्वारा जीता गया है, मतलब पहली भारतीय कौन बन गई है इस चैंपियनशिप में। रजत पदक ही जीता है वैसे तो उन्नति हुड्डा जो है, उन्नति हुड्डा, हाँ जी उन्नति हुड्डा, इसमें क्या है, उन्नति हुड्डा इसमें रजत पदक जीतने वाली पहली बैडमिंटन जो प्लेयर है बन चुकी है, इवन इसमें पार्टिसिपेट करने वाली भी पहली ही भारतीय महिला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है चलेगा नेक्स्ट, किस राज्य में लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया गया है, यह आपको बताना है। 51st एनिवर्सरी ऑफ द बैटल ऑफ लोंगेवाला जो है, बैटल ऑफ लोंगेवाला को हमने पराक्रम दिवस के रूप में मनाया है, हमने नहीं एक राज्य ने मनाया है। ठीक है 1971 में ये फोर हुआ था, बैटल ऑफ लोंगेवाला 1971 में हुआ था, तो कहाँ की बात की जा रही है यह आपको कमेंट करके बताना है, कहाँ की बात की जा रही है यह आपको कमेंट करके बताना है। चलिए भाई, तो बैटल ऑफ लोंगे वाला जो हुआ था राजस्थान में हुआ था, और राजस्थान के लोगों ने क्या है, राजस्थान के लोगों ने इसे पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया है। मोहिनी मासिगाने को किस देश के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर सम्मानित किया गया है। चलिए भाई, ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर, ठीक है ये मोहन मासिगनी को मिला है, तो कौन से देश के द्वारा यह दिया गया है यह हमें जानना है, कौन से देश के द्वारा यह दिया गया है। सो ब्रिटेन इज द राइट आंसर, ब्रिटेन के द्वारा दिया गया है। एक्चुअली देखिए होता क्या है, हर एक देश, मान लो हमारा कोई ऑफिसर है जो भारतीय मूल का ऑफिसर है, दूसरे देश में काम कर रहा है, तो हर एक देश क्या है भाई, हर एक देश अपने क्या देता है, अपने जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, जो नागरिक अवार्ड होते हैं, नागरिक अवार्ड को देता है। जैसे हम पद्म अवार्ड्स देते हैं, हम भारत रत्न भी देते हैं, तो क्या भारत रत्न भारतीय लोगों को ही दिया जाता है, ऐसा तो नहीं है, हम किसी फॉरनर्स को भी देते हैं। ठीक है तो ये चलिए ब्रिटेन के द्वारा दिया गया है, ब्रिटेन इज द राइट आंसर, यानी कि आप इंग्लैंड भी बोल सकते हैं, इंग्लैंड इज द राइट आंसर। किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट जो योजना है इसकी शुरुआत की है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट जो योजना है यह किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, और इसमें क्या है, इसमें खेल और डिस्ट्रिक्ट को कैटेगराइज किया गया है, किन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हमें इस खेल को प्रमोट करना है। ठीक है सो दैट जो हमारी यूथ है उसे एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में एक्सीलेंस मिल सके। भाई हम फिर कॉमनवेल्थ में जाएंगे तो हमें पता है कि स्पोर्ट्स, अगर फुटबॉल है तो फुटबॉल के लिए इन इन जिलों के बच्चे अच्छे हैं, ठीक है हॉकी के लिए इन इन जिलों के बच्चे अच्छे हैं, तो सिलेक्शन काफी इजी हो सकता है। चलिए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था, वैसे ही वन डिस्ट्रिक्ट और वन स्पोर्ट जो है इसे शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं यह आपको जानना है। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं यह 7th of December को करते हैं, यानी कि 7 December को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है चलिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है यह आपको बताना है। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने कहा है कि हम अपना एक सेपरेट क्या है, एक सेपरेट दिव्यांग विभाग जो है, एक सेपरेट दिव्यांग विभाग को क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे, यह आपको कमेंट करके बताना है। चलिएगा सेपरेट जो दिव्यांग विभाग स्थापित करने की बात की गई है यह कौन से स्टेट के द्वारा की गई है, यह आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है चलो भाई जल्दी से बताएंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 38 का आप महाराष्ट्र आंसर कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है चलिए भाई, महाराष्ट्र से आपको क्या याद रखना है, महाराष्ट्र से आपको एक चीज और याद रखनी है, दही हांडी आपने सुना होगा,
दही हांडी क्या है? दही हांडी आपने सुना होगा। चलिए भाई, दही हांडी को खेल का दर्जा, दही हांडी को खेल का दर्जा दिया गया है। खेल का दर्जा किस राज्य के द्वारा दिया गया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा ही दही हांडी को क्या दिया गया है? दही हांडी को खेल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए भाई, तारापुर, तारापुर आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया भी था। अच्छा, कमेंट करके बताओ कि तारापुर क्या है, कमेंट करके बताओ तारापुर क्या है। और इसी से रिलेटेड फिर एक और क्वेश्चन है जो मैंने नहीं रखा है, बट आपको रिवाइज करना है। ठीक है, चले भाई, तारापुर क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, डिफेंस वालों भी बताएंगे तारापुर क्या है, और ये हमारी हिस्ट्री से कैसे जुड़ा हुआ है यह भी आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। तो भाई तारापुर के बारे में हम पढ़ते हैं, तारापुर क्या है? तारापुर हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है तारापुर, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है तारापुर। ऑल राइट, चलिएगा, ये आपको याद रखना है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, चलिए, कुंडनकुलम मैंने आपको बताया था, कुंडनकुलम भी क्या है? कुंडनकुलम भी पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि 2000 वर्ष 2027 तक कितनी यूनिट ओपन की जाएंगी यह आप कमेंट करके बताएंगे, और कितने मेगावाट की ये यूनिट्स रहेंगी यह भी आपको कमेंट करके बताना है। जी कुंडनकुलम तमिलनाडु में है, ये तो आपने बिल्कुल सही बताया, ये तमिलनाडु में है, ये तो आपने बिल्कुल सही बताया है। आप मुझे ये बताएंगे कि 2027 तक इसकी कितनी यूनिट ओपन की जाएंगी और टोटल इसकी कितनी यूनिट हो जाएंगी। बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल सही, 4 यूनिट इसकी ओपन की जाएंगी और 1000 1000 की होंगी सारी की, तो 1000 × 4 यानी कि 4000 मेगावाट की ये यूनिट यहाँ पर ओपन की जाएंगी। रिसेंटली इसकी जो यूनिट काम कर रही है, रिसेंटली इसकी 2 यूनिट काम कर रही है, और इन दोनों यूनिट की भी कैपेसिटी 1000 की है, 1000 मेगावाट की क्या है, 1000 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी है। जी शानदार, तो 2027 तक टोटल कुंडनकुलम की जो वो हो जाएगी, कुंडनकुलम की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, यह 6000 मेगावाट हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है, चलिएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, स्टैटिक से रिलेटेड। वैसे ये क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई या मुंबई हाई बोल सकते हैं, बॉम्बे हाई किस लिए फेमस है यह आप कमेंट करके बताएंगे, बॉम्बे हाई किस लिए फेमस है? एशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कौन सी है? सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी कौन सी है यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलेगा, साथ ही साथ आप मुझे ये बताएंगे फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया कौन सी है यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है भाई, कुंडनकुलम न्यूज में है तो इससे रिलेटेड जनरल अवेयरनेस में फिर आपका कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ जी, बॉम्बे हाई किसके लिए फेमस है? बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए फेमस है। सबसे ज्यादा भारत में जो पेट्रोलियम है, सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम के भंडार है भारत में, बॉम्बे हाई में है। एशिया की सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है यह जामनगर है, और ये रिलायंस के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, रिलायंस के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। पहली ऑयल रिफाइनरी जो है ये असम डिगबोई में है। ठीक है, पहली ऑयल रिफाइनरी जो है यह असम के डिगबोई में है। ठीक है भैया, क्लियर है यहां तक सारी चीजें? तो कुछ आपको आज नया भी देखने को मिला होगा, बॉम्बे हाई पेट्रोलियम, डिगबोई, असम, बिल्कुल सही, जामनगर, बिल्कुल सही, बॉम्बे हाई पेट्रोलियम डिपोजिट। ठीक है, बहुत अच्छे, चलेगा। तो भाई यही आपसे विदा लेते हैं, सभी लोग ख्याल रखेंगे, अपना पढ़ते रहेंगे, रिवाइज चीजों को करते रहिएगा। हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच आप सभी को।